थोड़ा और कितने दिनों में खुलासा हो पाया है? ये 25 तारीख को थाना मोतीपुर पर अनिरुद्ध कुमार नामक व्यक्ति ने एक सूचना दी कि उसके बड़े भाई संतोष कुमार की खून आलूदा डेड बॉडी उन्हीं के खेत के बगल में गन्ने के खेत में मिली है, जिस पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। सीओ नानपारा और हमारे द्वारा भी मौके का निरीक्षण करते हुए उनके परिजनों से बात की गई। एक बात निकल के ये आई कि ये हत्या किसी अपने के द्वारा ही की गई है। सबसे पहला शक जो है वो अनिरुद्ध कुमार पर इसलिए गया क्योंकि रात में 22 तारीख में कोई व्यक्ति संतोष को दद्दू के नाम से संबोधन करते हुए लेके गया था और अनिरुद्ध ही ऐसा व्यक्ति था जो उसको दद्दू के नाम से बुलाता था। अनिरुद्ध की 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लगातार जो मूवमेंट रही है सर्विलांस के और मुखबिर के मामले पता की गई, उसकी मूवमेंट संदिग्ध पाई गई। कड़ाई से जब पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और साथ में मनीष व रामपाल नाम के व्यक्ति जो उसके ही दोस्त और उसके साथ ही बैठ के शराब पीते थे और अन्य गतिविधियों में शामिल रहते थे, उनके साथ मिलके उसने ये अपने बड़े भाई की हत्या कारित की है। इसका मेन मोटिव बड़े भाई और उसकी भाभी के साथ उसका कई दिनों से चल रहा विवाद, जिसका एक कारण उसका बहुत ज़्यादा शराब पीना, घर से बाहर रहना, घर के कामों में हाथ ना बटाना और अनिरुद्ध का ये आशंका होना कि बड़े भाई द्वारा पूरी ज़मीन जो है वो आने वाले दिनों में कब्जा कर ली जाएगी, और तीसरा कि अनिरुद्ध को अपने पसंद की लड़की से शादी ना करवा कर बड़े भाई संतोष अपनी किसी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाना चाह रहे थे जो उसको मंजूर नहीं था। इसमें शक का मेन कारण ये रहा कि जब 22 तारीख से वो लापता संतोष था तो 23 तारीख को इसको जानकारी हुई थी, पुलिस या अन्य किसी जगह पर सूचना ना देकर ये वहाँ से चला गया, तांत्रिक और झाड़फूँक करने वालों के पास जानकारी करता रहा और अपनी जो गुनाह को छुपाने के लिए सबूतों को और मोटरसाइकिल को अन्य जगह पर इसके द्वारा छुपाया गया। इसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो संतोष की थी जिस पर बिठा के ले जाया गया था, साथ ही में 2 चाकू जिनका इस्तेमाल इसकी हत्या में हुआ था और खून आलूदा कपड़े जो इन तीनों मुलजिमों द्वारा उस समय पे पहने गए थे, ये सभी चीज़ों को बरामद करते हुए पुलिस द्वारा इसका खुलासा किया गया है और छोटा भाई अपने भाई का इसमें हत्यारा जो है वो पाया गया। जमीन को विवाद चल रहा था भाई और भाभी के साथ, उसी को लेते हुए इसने ये हत्या की जो प्लानिंग अपने 2 साथियों के साथ छोटे कर दी। जी तो एक देखिए ये एक बात प्रमाणित है, वो काफी रिश्तेदारों से गांव वालों से और अन्य जगह से प्रमाणित हुई है कि बड़े भाई छोटे भाई का और भाभी के साथ इनका काफी दिनों से विवाद चल रहा था। उस विवाद के कई कारण सामने निकल के आए हैं जिसमें जमीन का भी एक पहलू है, साथ में अपनी पसंद की लड़की से शादी ना होना, लगातार अनिरुद्ध का शराब पीना और घर से बाहर रहना और घर के कामों में हाथ ना बटाना, इस चीज़ों यही इस पूरे विवाद की जड़ में माने।